हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। तो मैंने पार्ट वन में आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाया था कि नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व होते हैं। आज मैं आपके लिए पार्ट टू में नेशनल इनकम से कुछ और क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट GNP, MP, NDP, FC और NNP, FC आपको फाइंड आउट करना है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन है, इन्हीं इंफॉर्मेशन से अपन क्या करेंगे, यानी ये तीनों GNP, MP, NDP, FC एंड NNP, FC फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था किस तरीके से नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने तीन बेसिक फॉर्मूलाज पे मैंने डिस्कस किया था। तो देखिएगा, जब भी ग्रॉस से नेट वैल्यू पर जाते हैं तो ग्रॉस से नेट वैल्यू पर जाने पर अपन लोग क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। और अगला देखिएगा कि डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो LFIA एड होता है। और नेक्स्ट है यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस करेंगे और सब्सिडी एड करेंगे। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, इन्हीं के आधार पर अपन नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, यानी अपने पास में GDP, MP अपन को निकालना है, GNP, MP तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू डोमेस्टिक है और अपन को क्या चाहिए, नेशनल वैल्यू। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIA एड कर देंगे। तो देखो, GDP, MP में अपन क्या ऐड कर देंगे, NFIA, और NFIA जैसे ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नेशनल में, GNP MP में कन्वर्ट हो जाएगी। GDP MP कितना है अपन 5500 और NFIA कितना है 400, तो आंसर आ जाएगा 5900 करोड़। कितना आ गया, 5900 करोड़ अपने पास में आंसर आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई है GNP MP। सेकंड देखिएगा, सेकंड अपन को क्या पूछा गया है, NDP FC। देखो, अपने पास में जो वैल्यू गिवन है वो एमपी में, तो सबसे पहले काम यही कर लेते हैं कि एमपी से एफसी बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है और सब्सिडी ऐड करते हैं। तो बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स अपने पास में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, सब्सिडी अपने पास में गिवन है, ये भी गिवन है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो GDP FC = GDP MP में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी अपन ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है और GDP MP अपने पास में है ये 5500 और इनडायरेक्ट टैक्स है 250 और सब्सिडी अपने पास में है 120 करोड़। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5370 करोड़। इसका आंसर कितना आ गया, 5370 करोड़। ये आ गया GDP FC, ये आ गया अपने पास में GDP FC। अभी अपन जो वैल्यू चाहते हैं, नेट वैल्यू चाहते हैं, वो नहीं है ये, अभी ग्रॉस वैल्यू है ये। तो आपको पता है, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो इसी में से ही यानी अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, NDP FC = GDP FC में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करते, तो वैल्यू पहले अपन पुट अप करते हैं, 5370 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 75 करोड़। तो वैल्यू आ जाएगी 5295 करोड़। कितना है, 5295 करोड़। अगली वैल्यू है अपने पास में NNP FC। आपको पता है कि NNP FC नेशनल इनकम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे ज्यादा सुटेबल वैल्यू यही होती है, इसीलिए नेशनल इनकम जब भी आपको पूछा जाता है तो NNP FC ही आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो थर्ड वैल्यू अपन, फर्स्ट वैल्यू अपनी ये हो ही गई, सेकंड वैल्यू अपनी ये हो ही गई, और अपन को थर्ड वैल्यू अपन को निकालनी है। तो थर्ड वैल्यू कौन सी रहेगी, NNP FC। तो अब एक बात बताइए, NNP FC के लिए अपने पास में क्या इंफॉर्मेशन है, NDP है,
ठीक है, डोमेस्टिक वैल्यू अपने पास में है तो अपन को नेशनल वैल्यू निकालनी है, तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या करना होता है, NFIA ऐड कर देंगे, तो यानी इसी में ही NNP FC इक्वल टू NDP FC प्लस NFIA, तो ऐड करेंगे NDP कितना है, NDP अपने पास में है 5295 प्लस NFIA कितना है 400 करोड़, तो 400 करोड़ को अपन प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5695 करोड़, तो ये आंसर आ गया अपना NNPFC, इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं, तो ये थर्ड वैल्यू भी अपने पास में आ गई। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपको देखने हैं, और भी क्वेश्चन आपको सीखने हैं किस तरीके से नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।